तो आज हमें पढ़ना है प्रोफाइल, ठीक। लास्ट हमने यूजर पढ़ लिया, रोल्स पढ़ लिया, प्रिविलेजेस पढ़ लिए, अब कुछ प्रोफाइल्स पढ़ेंगे। तो व्हाट इज प्रोफाइल, आप लोगों ने देखा क्या होता है प्रोफाइल? हाँ, नहीं देखा, सिर्फ बैश प्रोफाइल का एक काम किया। वो बैच प्रोफाइल प्रोफाइल नहीं है, ठीक है, प्रोफाइल अलग है। सो इन आवर डीबी देयर आर मेनी रिसोर्स, ओके, आर मेनी रिसोर्सेस दैट वी यूज इन आवर डीबी, ओके। नाउ वी नो दैट वी गिव प्रिविलेजेस टू होम, किसे प्रिविलेज है हम लोग देखते हैं, यूजर को यूजर। वी गिव प्रिविलेजेस टू यूजर, और कौन से देते हैं हम लोग? सिस्टम देते हैं, आइदर सिस्टम और ऑब्जेक्ट, ओके। तो इसका बेसिस क्या है टू गिव लिमिटेशन? आइदर हम तो सिस्टम देते हैं या फिर ऑब्जेक्ट देते हैं, ठीक है। सो देयर आर मेनी रिसोर्सेस विच कैन बी गिवन टू यूजर, ठीक है। अब एग्जाम्पल आप लोगों दे, तो सपोज एक यूजर है, ठीक है, वो यूजर नंबर ऑफ सेशंस स्टार्ट कर सकता है, 1 सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन। फिर ये यूजर 1 है, फिर यूजर 2 कोई है, वो भी 1 सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन कर सकता कि नहीं कर सकता? हाँ कर सकता है, ठीक है। अब इधर क्या होता है कि ये जो सेशन है हम यूजर के लिए लिमिट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं कि एक यूजर कितने लिमिट कर सकता है। तो वो लिमिटेशन जो है उसे हम प्रोफाइल कहते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लें, सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लें सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। आप नेट बैंकिंग यूज करते होगे, है ना, करते हो कि नहीं? करते हैं। हाँ, तो उधर अकाउंट लॉगिन करते हो आप लोग, तो देखना 3 बार अकाउंट लॉगिन करने के बाद क्या होता है। अब 3 बार आपने रॉन्ग पासवर्ड दिया या फिर यूजर गलत है, तो 3 बार के बाद क्या होता है? कुछ टाइम के लिए लॉक हो जाता है। लॉक हो जाता है, बिल्कुल सही। तो ये क्या है, ये एक तरह का लिमिट है, रेस्ट्रिक्शन है, समझे। तो ये सब चीजें जो होती है, ये सब रिसोर्स है एक तरह का, तो ये सब चीजें प्रोफाइल में होती हैं। और ये प्रोफाइल जो होता है वो किसे देते हैं? हम यूजर को देते हैं, ठीक है। मींस आपको, आप पे रेस्ट्रिक्शन है ना कि आप कितने बार इसको ये कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो, कितने बार आप लॉगिन करते वक्त आपका फेल होगा, उसके बाद लॉक हो जाएगा, ये तो। और कुछ एग्जांपल चाहिए क्या? जैसे हो गया आपका बैंक सेशन हो गया, आप चालू करके रखे हो, लॉगिन करके रखे हो, फिर बाद में क्या होता है कि कुछ देर आप छोड़ मोड हो दो, जाता कुछ यूज मत करो, तो क्या होता है? है, सेशन आउट हो जाता है। सेशन आउट हो जाता है, ये भी एक तरह का रेस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन है, ठीक है। फिर ये लॉगिन अटेम्प्ट्स आपने देख लिया, फिर अब आप ये जो बोले कि 3 बार लॉगिन करने के बाद वो लॉक हो जाता है, तो कितने टाइम तक लॉक होता है?
दिन तक रह सकते हैं। हाँ लेके चलते 24 आवर्स, है ना, या तो पूरा अनलिमिटेड टाइम के लिए ये लॉक हो जाता है, नहीं तो कुछ समय के लिए रहता है ना, तो वो भी एक तरह का रेस्ट्रिक्शन है। सो देर आर सम डीबी रिसोर्स वेयर वी पुट सम लिमिटेशन, ओके, और किस पे हम लिमिटेशन डालेंगे, यूजर पे। सो यूजर इज रेस्ट्रिक्टेड टू सम पैरामीटर्स, ओके, और क्यों यूजर पे रेस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं, सो दैट वो डीबी रिसोर्स का मिसयूज ना हो, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, अब सपोज देखो यहाँ पे कि अगर कोई आपका अकाउंट को लॉग इन करना चाहता है, कोई दूसरा, कोई स्ट्रेंजर लॉग इन करना चाहता है, तो अगर ये चीज नहीं रहेगा, 3 बार रॉन्ग अटेम्प्ट वाला सीन नहीं रहेगा, तो क्या होगा, उसके पास अनलिमिटेड टाइम्स रहेगा, है ना। अब सपोज आपका 4 डिजिट पासवर्ड है, तो उसको कितना टाइम लगेगा ये 4 डिजिट पासवर्ड क्रैक करने में, अगर उसके पास अनलिमिटेड चांसेस है तो, है ना। तो एक तरह सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी हम लोग यूज करते हैं इसको, क्लियर। सो वी कैन कंक्लूड फॉर प्रोफाइल दैट प्रोफाइल इज यूज्ड टू लिमिट द यूजर फ्रॉम मिस यूजिंग डीबी रिसोर्सेस, ओके। कोई डाउट है, नहीं। नहीं है, चलो फिर आगे बढ़े। अब हमारा जो प्रोफाइल होता है, ठीक है, कुछ एक एक दो पैरामीटर्स भी है इसमें, ये जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो लॉग इन 3 बार करते हैं तो लॉक हो जाता है, वो सब चीजें बताया था ना, ये सब जो पैरामीटर्स है वो इसके अंदर रहता है प्रोफाइल्स में। और मैं बोलना चाहूंगा कि ये सब जो प्रोफाइल्स है, ठीक है, इसमें जो रिसोर्सेस हैं वो रिसोर्सेस कहाँ रहती हैं, कुछ आइडिया, हाउ टू चेक व्हाट आर द पैरामीटर्स रिसाइड्स इन दिस प्रोफाइल। कैसे हम चेक करेंगे कि प्रोफाइल में क्या-क्या है। व्यू से शो पैरामीटर प्रोफाइल व्यू से है, अब पैरामीटर नहीं है ये प्रोफाइल, ठीक है, तो यहाँ पे व्यू से हम लोग चेक करेंगे, वो व्यू होता है डीबीए अंडरस्कोर प्रोफाइल्स, ठीक है। ये जो व्यू होता है इसे हम जो भी पैरामीटर्स है, डीबी रिसोर्सेस है, उसे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब सपोज हमारे पास ये वाला केस लेते हैं, एक ऐसा हम लोग का होता है पैरामीटर फेल्ड, ये हमारा रिसोर्स होता है एक तरह का, फेल्ड लॉग इन अटेम्प्ट करके, ठीक है, ये रहता है। तो अगर इसमें हमारा 3 है, ठीक है, तो क्या होगा, हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है, कनेक्ट करें, सपोज स्कॉट को करना है, तो स्कॉट को किया स्कॉट को किया और टाइगर दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि ये तो लॉगिन हो जाएगा, लेकिन अगर सपोज टाइगर 1 दिया, टाइगर 2 दिया, टाइगर 3 दिया, अब 3 देने के बाद जैसे ही 4 दे देंगे तो क्या होगा, वो अकाउंट लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब वही चीज आप यहाँ पे पैरामीटर 4 रख दोगे तो ये 4th टाइम अपना लॉग इन करेगा, लेकिन 5th टाइम जैसे ही लॉग इन होगा तो वो निकल जाएगा, मतलब लॉक हो जाएगा। अब लॉक हो जाएगा तो फिर आपको पता है कि अनलॉक कैसे करते हैं, है ना। क्या पता है ना हाँ अकाउंट को अनलॉक कैसे करते हैं।
आर्थर यूजर आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड अकाउंट नहीं, आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड क्यों देंगे? अब आप लोग बताओ, प्रोफाइल जो है, विच प्रोफाइल इज असाइंड टू एनी यूजर, ये कैसे चेक करेंगे? हाउ टू चेक विच प्रोफाइल आर असाइंड टू यूजर? वो भी हम व्यू से ही चेक करेंगे, लेकिन कौन सा व्यू से चेक करेंगे? डीबी यूजर्स डीबी अंडरस्कोर यूजर्स। अब मैंने यूजर्स का बात किया तो वो सारे यूजर्स इंफॉर्मेशन तो डीबी अंडरस्कोर यूजर्स में रहेंगे, बेसिक सेंसर है ना, तो सिंपल है ये। तो जो भी प्रोफाइल इसको असाइन किया गया होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा इस व्यू के थ्रू। ठीक है, क्लियर? नाउ अब आप लोगों चेक करके दिखा दे क्या? एक सेकेंड, वर्चुअल बॉक्स। अब आप लोगों को एक चीज बता देते हैं। हेलो, हाँ सर, हमारा जो प्रोफाइल है वो एक ही प्रोफाइल है, ठीक है, अपने डेटाबेस में, ठीक है। तो डेटाबेस में एक ही प्रोफाइल है, उसका नाम है डिफॉल्ट, ठीक है। वही डिफॉल्ट पास प्रोफाइल सभी यूजर्स को दिए हुए हैं, ठीक है। अब वही तो हमको चेक करना होगा फिर, कि एक मैंने बताया कि एक ही डिफॉल्ट प्रोफाइल होता है ना, तो डिफॉल्ट प्रोफाइल हम कैसे चेक करेंगे? पहले लॉग इन कर लें। सो इन आवर डीबी वी आर हैविंग ओनली वन प्रोफाइल। कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। सो जो भी पैरामीटर्स उस डिफॉल्ट में है वो सब अनलिमिटेड है, ठीक है। एक तरह से अनलिमिटेड है, कुछ कुछ में लिमिटेशंस है, लेकिन है बहुत, ठीक है, डेटाबेस के लिए लिमिटेशंस। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो हमें कुछ पैरामीटर्स देखना है, तो कैसे देखेंगे? डीपी प्रोफाइल्स का पैरामीटर हाँ, डीबी अंडरस्कोर प्रोफाइल से ही हम लोग पता करेंगे ना। तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीबी ए अंडरस्कोर प्रोफाइल्स करते हैं।
देखो दिख रहा है डिफॉल्ट 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 ये सब दिख रहा है, अनलिमिटेड अनलिमिटेड अनलिमिटेड, रुको डिफॉल्ट का ही हम दिखाते हैं। कैसे देखेंगे सिर्फ डिफॉल्ट का तो बताओ। सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम डीबीए प्रोफाइल वेयर देन कॉलम नेम प्रोफाइल्स वेयर कॉलम प्रोफाइल नेम लिमिट प्रोफाइल इक्वल नेचर इक्वल टू डिफॉल्ट डिफॉल्ट DFAULT। बोला तो आप, इक्वल ये तो हाँ आप लोग देखो क्या क्या पर्टिकुलर इसमें रिसोर्सेस है हमारा, क्या है सेशंस पर यूजर, कंपोजिट लिमिट, सीपीयू पर यूजर, सीपीयू पर कॉल, लॉजिकल रीड पर सेशन, लॉजिकल रीड पर कॉल, आइडल टाइम, कनेक्ट टाइम, प्राइवेट एसजीए, फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट, दिखाया था अभी फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसका पैरामीटर जो भी लिमिटेशन है वो 10 है, मींस कोई भी स्कॉर्ड वगैरह आप यूज कर रहे हो ठीक है, और उसको ये प्रोफाइल असाइन किया गया है ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो अनलिमिटेड और 10 है, ऊपर का तो सारे का अनलिमिटेड है, बट यहाँ पे देखो 10 है फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट का, 10 बार अगर मैं लॉगिन करूंगा स्कॉट को, जैसे ही मैं 11th टाइम लॉगिन करने गया तो क्या होगा कि वो लॉक हो जाएगा, और लॉगिन अटेम्प्ट करना मीन्स हम हमारा जो लॉगिन प्रोसेस है वो गलत हो रहा है ठीक है, मीन्स लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं कुछ पासवर्ड के गलती की वजह से ठीक है, ये नहीं कि 10 बार लॉगिन किया तो अपने आप बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं, लॉगिन हो गया तो वो तो कनेक्ट हो गया, लेकिन अगर लॉगिन करने का प्रोसेस में अगर आप कुछ फेलियर हो जा रहा है, कुछ आप पासवर्ड गलत दे दे रहे हो, तो 10 बार ऐसे आप कर सकते हो, 11th टाइम वो लॉक हो जाएगा ठीक है। फिर देखो पासवर्ड लाइफ टाइम है, पासवर्ड रीयूज टाइम है, पासवर्ड रीयूज मैक्स है, पासवर्ड वेरीफाई फंक्शन है, पासवर्ड लॉक टाइम है, पासवर्ड ग्रेस टाइम है ठीक है, तो ये सभी चीज का। सर जब लॉक हो जाएगा तब कितना देर तक रहेगा मतलब तो क्या लॉक लॉक जब लॉक नहीं हो रहा है तब तो लॉक हो जाएगा ये देखो यहाँ पे ना दिया हुआ है, ये पासवर्ड लॉक टाइम जो है वो उसी के लिए है ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पैरामीटर दे सकते हैं, उसका कोई टेंशन नहीं, अभी हम देखते हैं एक एक करके ठीक है, अब बाकी जो छूट जाएगा वो आप लोग देख लेना ठीक है। ठीक चलो तो आप लोग बता दिया कि प्रोफाइल एक ही होता है, अब आप लोग बताओ मेरे को कि मैं कैसे चेक करूं कि सपोज स्कॉट है, स्कॉट को कौन सा प्रोफाइल असाइन किया गया है, वो कैसे चेक करेंगे ये बताओ। वो डीबीए यूजर्स से चेक करना पड़ेगा वेयर ग्रैंड इक्वल टू स्कॉट अच्छा डीबीए यूजर्स चेक करना पड़े, तो डीबीए यूजर्स में पहले चेक कर लेते हैं डीबीए अंडरस्कोर यूजर्स कौन कौन सा नेक्स्ट कॉलम लेना है, तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम, यूजर नेम ले लेते हैं, नेम पासवर्ड ले लेते हैं, और यहाँ प्रोफाइल करके आपको दिख रहा है प्रोफाइल ले लेते हैं, हमें प्रोफाइल ही देखना है ना कि कौन सा प्रोफाइल इसको मिला है, तो यूजर नेम ले लिया, पासवर्ड ले लिया, प्रोफाइल ले लिया, फ्रॉम डीबीए अंडरस्कोर यूजर्स वेयर लगा लेना, सर क्या ठीक हो गया क्या या फिर सर नहीं सर दो बार पासवर्ड लिखे हैं प्रोफाइल अच्छा हो हाँ ठीक है ठीक है। हाँ फ्रॉम डीबीए अंडरस्कोर यूजर्स वेयर, हाँ यूजर नेम इक्वल इक्वल स्कॉट टू स्कॉट दे देते हैं स्कॉट ठीक है। देखो पासवर्ड तो हमें नहीं दिखता है, आप लोग पता ही होगा क्यों नहीं दिखता है ठीक है, अब प्रोफाइल देखो कौन सा दिया हुआ है, देखो कौन सा असाइंड है,
डिफॉल्ट 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 असाइंड है, ठीक है। तो यहां से मेरे को पता लग गया ना क्या क्या है। तो प्रोफाइल में जो रिसोर्सेस हैं, ठीक है, हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो दो टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला है, इसमें दो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस होते हैं, ठीक है, प्रोफाइल में। पहला होता है पैरामीटर, जो रिलेटेड होता है, पैरामीटर रिलेटेड टू पासवर्ड, ठीक है, जो पासवर्ड से है, और रिस पैरामीटर रिलेटेड रिसोर्स, ओके, या फिर रिसोर्स लिमिटेड पैरामीटर। क्लियर। तो ये दो टाइप के होते हैं। अब इसमें कुछ कुछ आप लोग को पता ही होगा मेरे ख्याल से, जैसे कि अभी मैंने बताया, ये पहले मैं पासवर्ड रिसोर्स में आते हैं, पैरामीटर रिलेटेड टू पासवर्ड। इसमें क्या क्या है हमारा, फेल्ड लॉग इन अटेम्प्ट है पहला, आप लोग बताया है ना, हाँ सर, फिर और क्या है, पासवर्ड लॉक टाइम है, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में तो लगभग बता ही दिया है कि फेल लॉग इन अटेम्प्ट में क्या होगा, हमारा जो लॉग इन जितना बार भी मैं अटेम्प्ट करूंगा रॉन्ग अटेम्प्ट होगा, तो अगर इसमें कुछ लिमिटेशन 2 दे दिया है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे मैं सिर्फ 2 बार ही फेल्ड लॉग इन अटेम्प्ट कर सकता हूँ, मीन्स गलत पासवर्ड दे सकता हूँ, और उसके बाद क्या होगा कि ये लॉक हो मेरा जाएगा। लॉक हो जाएगा। अब पासवर्ड लॉक टाइम होगा, यहाँ पे मेरे को पता लगेगा कि यहाँ पे कितने टाइम के लिए ये लॉक रहेगा। लॉक रहेगा, मींस हम लोग दे सकते हैं इसको डेज में दे सकते हैं, है ना, 1 day 2 day, ठीक है, ऐसा करके 7 days, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे वैल्यू देंगे तो ये ले लेगा। और भी अलग अलग होते हैं, ग्रेस टाइम, रीयूज टाइम, रीयूज मैक्स टाइम, पासवर्ड वेरीफाई फंक्शन। पासवर्ड वेरीफाई फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ पैरामीटर्स है, आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो। कहाँ गया, ये देखो, फेल लॉग इन अटेम्प्ट, लाइफ टाइम, रीयूज टाइम, रीयूज मैक्स, वेरीफाई फंक्शन, लॉक टाइम, ग्रेस टाइम, ये सब हमारा पासवर्ड से रिलेटेड रिसोर्स है। आप तो देख सकते हो यहाँ रिसोर्स में क्या है, सारे पासवर्ड्स हैं। और दूसरा होता है रिसोर्स से, तो वो सब ये है, ठीक है, मेन सिस्टम का हमारा वो पासवर्ड रिसोर्स, ठीक है। तो इसमें कुछ देख लेते हैं, इसमें आपको दिख रहा होगा, अच्छा, तो यहाँ पे आप लोग देखे कि इसको हम लोग चेंज भी कर सकते कि नहीं कर सकते, इस ये जो लिमिटेशंस है हाँ कर सकते हैं। कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं अगर नहीं कर सकते तो, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया, हाँ, ये सब हमारा ऐसा ऐसा पैरामीटर्स होते हैं और इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, कुछ लिमिट कर सकते हैं, ठीक है। लिमिटेशन करना है तो कुछ इसमें हम लोग को लिमिटेशन डालना भी तो पड़ेगा ना। अब आते हैं रिसोर्स लिमिटेड पैरामीटर में, इसमें क्या होता है कि हम भी चेंज कर सकते कि नहीं कर सकते कोई भी पैरामीटर को, हाँ कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग कर सकते हैं। बट इधर क्या होगा कि हमारा जो इफेक्ट होता है, जो चेंजेस किया उसका इफेक्ट नहीं शो करेगा। ये सभी चीजें मतलब पासवर्ड रिलेटेड में हमारा शो कर देगा एट द सेम टाइम, बट यहाँ पे हमारा जो होता है चेंज इफेक्ट, मतलब सॉरी, जो चेंज करेंगे वो इफेक्ट नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा,
रिसोर्स से लिमिटेड पैरामीटर है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस किया तो यहाँ पे इफेक्ट नहीं शो करेगा। अब क्यों नहीं करेगा? इसके लिए हमें एक पैरामीटर को चेंज करना पड़ता है, वेयर इन पैरामीटर फाइल। हमें पैरामीटर फाइल में, आप लोग पैरामीटर फाइल खोलोगे तो उसमें क्या दिखता है, एक उधर पैरामीटर है ऐसा करके, रिसोर्स लिमिट करके, ठीक है, रिसोर्स लिमिट करके यहाँ पे पैरामीटर है, इन पैरामीटर फाइल। तो ये जो रहता है हमारा बाय डिफॉल्ट फॉल्स, ठीक है, इसलिए हम कोई भी चेंजेस करेंगे पैरामीटर रिलेटेड टू रिसोर्स में, उसमें इफेक्ट नहीं दिखता है। अगर आपको इफेक्ट चाहिए, कुछ चेंजेस करना है और डीबी में इफेक्ट आए, तो इस पैरामीटर को आपको चेंज करके ट्रू करना होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। कोई भी रिसोर्स रिलेटेड पैरामीटर आपको चेंज करना है तो आपको ये रिसोर्स लिमिट पैरामीटर, जो कि पैरामीटर फाइल में डिसाइड करता है, उसे ट्रू करना होगा, तभी वो चेंज होगा, वरना नहीं होगा। चेंज क्लियर? होगा मतलब इफेक्ट दिखाएगा क्या? हाँ चेंज होगा मतलब इफेक्ट उस टाइम हाँ आप हाँ हाँ जैसे कि मिलेगा आप यहाँ पे देखो, इफेक्ट? यहाँ पे फेल लॉगिन अटेम्प्ट 2 है, आप यहाँ पे चेंज कर दिए 3, ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये तुरंत इफेक्ट मेरे को शो कर देगा कि 2 से मैंने 3 कर दिया, मतलब बट इसके लिए मेरा चेंज नहीं शो करेगा। होगा। अगर इसके लिए कोई चेंजेस किया तो नहीं शो करेगा। अच्छा, ये फॉल्स ट्रू करेंगे सिर्फ शो करने के लिए ना? शो करने के लिए, इफेक्ट में लाने के लिए, ठीक है। आप चेंजेस करके भी बैठ जाओ तो कुछ भी नहीं होगा, वही पुराना वाला डेटा लेके चलेगा। अच्छा, तो यहाँ ओ पे जब तक आप इसको ट्रू नहीं करोगे तब तक ये नहीं लेने वाला, ठीक है। ओके, हाँ सर। तो इसमें कुछ कुछ हमारा पैरामीटर्स होता है, बट पैरामीटर से पहले आपको रिसोर्स लिमिट में जाना होगा, ठीक है, और वहां पे आपको ट्रू करना होगा पैरामीटर फाइल में। तो पैरामीटर फाइल में चेंजेस आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे हम कुछ पैरामीटर्स देख लेते हैं, जैसे कि वहां पे था सीपीयू पर सेशन था, ठीक है। अब सीपीयू पर सेशन का मतलब क्या होता है, कोई आइडिया है? यूजेज एक सेशन है। तो नाम से ही पता लग रहा है। सपोज हमारे एक यूजर है, ठीक है, वो डेटाबेस में है, डेटाबेस में गया, ठीक है, और सेशन बना लिया अपना एक, ठीक है, ये और भी सेशन बना सकता है, सेशन 2, सेशन 1, है ना। और कोई दूसरा भी यूजर है, वो भी डेटाबेस में क्या, सेशन अपना 1 बना लिया, ठीक है। तो इधर क्या होगा कि हम यहाँ पे हर एक यूजर को कुछ लिमिटेशन दे देते हैं कि वो इतना परसेंटेज ऑफ यूसेज कर सकता है सीपीयू का, ठीक है। सपोज सपोज एक यूजर है, ठीक है, वो सेशन बनाया, ठीक है, तो वो काम भी करता है, सेशन बनाता है, कुछ काम भी करता है ना, लोग सभी कोई काम करते हैं ना, सीक्वल चलाता है, पीएल एसक्यूएल चलाता है, ये सब चीजें करते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 चार काम हो रहे हैं, ठीक है, चारों में सीक्वल प्रोसीजर्स, पीएल सीक्वल सब चल रहे हैं। तो क्या होगा कि हम यहाँ पे सीपीयू पर सेशन में सपोज हमने दे दिया 50% लिमिट दे दिया, ठीक है, 50% लिमिट दे दिया इसको। तो क्या होगा, ये तो अभी हमारा लगभग 40% यूज कर रहा है सीपीयू का, ठीक है,
अब यहां पे मैं 5 दे दूंगा तो क्या होगा? मतलब ये पांचवा स्टेटमेंट चला दिया, सीक्वल चला दिया, या फिर पीएल सीक्वल चला दिया, प्रोसीजर चला दिया तो परसेंट तक की काम करता ये 50% चला जाएगा, है ना? है। हाँ अब यहाँ पे अगर 6 कर दिया तो और कुछ नहीं करता क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि 50% तक दिया था सीपीयू यूज करने के लिए। क्योंकि अगर 6 आ गया तो क्या होगा, ये 50 से एक्सीड कर जाएगा, है ना? तो क्या होगा कि जैसे ही आप ये यूज करोगे, जैसे ही 6th वाला चलाने जाओगे, तो आपको क्या होगा, एक एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, एरर कैसा थ्रो कर देगा, बोलेगा एक्सीड लिमिट हो गया है। ठीक है, एक्सीड लिमिट करके थ्रो कर देगा मैसेज। तो यहाँ पे आप इसको नहीं कर सकते फिर। क्लियर? तो ये ओके होता है सीपीयू पर सेशन। ठीक है, अब दूसरा आते हैं, दूसरा होता है सीपीयू पर कॉल। अब इसका क्या मतलब है भाई? सीपीयू पर कॉल क्या होता है? अब देखो, कोई भी आप सीक्वल वगैरह चलाते हो ना, वो सब एक, अगर सपोज एक सीक्वल चलाया आपने, सपोज अपडेट चला दिया, तो वो मेरा वन कॉल होता है। ठीक है, वो कॉल मीन्स ही हम कुछ काम कर रहे हैं, एक सीक्वल स्टेटमेंट चला रहे हैं, एक स्टेटमेंट चला रहे सीक्वल का, तो मीन्स वन कॉल। ठीक है, अब वही फिर इंसर्ट चला दिया तो वो सेकंड कॉल हो गया। ठीक है, तो ओके हमारा यूजर है यहाँ पे, वो भी बहुत सारे कॉल कर रहा है, वन कॉल कर रहा है, टू कॉल कर रहा है, थ्री कॉल हो गया, फोर कॉल हो गया, मीन्स इंसर्ट अपडेट जो उसका मर्जी है वो चला रहा है। ठीक है, हर एक कॉल में। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लिमिटेशन दे देते हैं हर एक कॉल के लिए। मीन्स ये कॉल 20% लेगा, ये कॉल 10% लेगा, ऐसा करके। हाँ, 20% लेगा ऐसा, क्योंकि लिमिटेशन हमने एक कॉल के लिए डाला। ठीक है, तो ये टोटल कितना ले लेगा, 40% ले लेगा, है ना? जो कि हमारा पहले ही दिया हुआ था यहाँ पे सीपीयू पर सेशन समझे? ये हाँ दोनों पैरामीटर हर एक हाँ कॉल के लिए। उसमें क्या था कि पूरे सेशंस में आप चाहे जितने भी आप चला रहे हो, जितने भी कॉल कर रहे हो, वहां पे क्या होगा कि पूरे को सम अप करके परसेंटेज यूज करेगा। बट यहाँ पे जो सीपीयू पर कॉल है वो हर एक कॉल के लिए है सीपीयू यूसेज। ठीक है, क्लियर? हाँ हर एक अब हाँ, सीपीयू इसके लिए तो बहुत लगेगा सीपीयू के यूज। अगर हर एक किसके कॉल लिए? अगर एक कॉल के लिए 20% देंगे तो बहुत यूज हम होगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 20% दे दिया। ठीक है, चलो ये दो समझ में आ गया। हाँ दूसरे में आते फिर। अब सपोज और है हमारे पास, सेशन पर यूजर करके है एक, इसका मतलब क्या होता है? एक आदमी जितना सेशन देंगे उतना ही कर पाएगा। अच्छा, जो टाइम लिमिट देंगे सेशन के लिए उतना तक काम कर पाएगा एक यूजर। ठीक है फिर तो हम देख ले गया पहले, हाँ देख लेते कि पहले बता देते हैं उसके बाद फिर देखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सेशन पर यूजर मींस क्या होता है कि हर एक यूजर को कितने सेशंस चलाने का इसको परमिशन है, मिस लिमिटेशन इसे दे दिया सेशंस के लिए। सपोज हमने यूजर्स है ये 1 2 3 4। ठीक है, अब ये क्या किया कि यहाँ पे एक सेशन, दो सेशन, तीन सेशन, चार सेशन, पांच सेशन, इतने सेशंस खोल दिए। ठीक है, हाँ तो क्या होगा? यहाँ पे भी टाइम लिमिट होगा। इस सेशन पर यूजर का मतलब है, अगर मैंने सेशन पर यूजर में सपोज लिमिटेशन दे दिया 3,
तो इसका मतलब क्या होगा कि वो यूजर जो है वो ये 3 तक तो कर लेगा, लेकिन आगे जो 4 और 5 सेशन जो वो बनाना चाहेगा वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, मीन्स सपोज आपको बोले कि आप एक हो, आप बैठे हुए हो, आपने एक टर्मिनल खोला, उसमें कनेक्ट कर लिया यूजर से, फिर दूसरा टर्मिनल खोला, कनेक्ट कर लिया, फिर तीसरा टर्मिनल खोला, कनेक्ट कर लिया, लेकिन आप 4 टर्मिनल जैसे ही खोलोगे और कनेक्ट करोगे तो नहीं होगा, वहां पे फिर एरर आएगा कि एक्सीड लिमिट करके। ठीक है, मीन्स आप 3 सेशंस बना सकते हो इसमें, अगर मेरा लिमिटेशन 3 है तो, लेकिन 4 सेशन नहीं बना सकते, तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, और क्या होता है, कनेक्ट टाइम करके होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, कोई आइडिया? मतलब इतना इतना टाइम तक हम लोग काम कर पाएगा, यूजर काम कर पाएगा, उसके लिए ज्यादा काम कर पाएगा। तो यहाँ पे यूजर मैं लॉग इन कर रहा हूँ, तो यूजर लॉग इन करने के बाद वो कितने देर तक उसके उसे कोई यूजर यूज कर सकता है। ठीक है, अब सपोज हमने 8 आर दे दिया, तो क्या होगा कि 8 आर तक आप जो काम कर रहे हो कर रहे हो, लेकिन 8 आर के बाद वो लॉग आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा आइडल टाइम। आइडल टाइम तो सुना सुना लग रहा है ना, कहाँ सुना है आइडल टाइम? सर डेटाबेस जब स्टार्ट करते हैं वो उसका जो आइडल मोड होता है उसका भी टाइम होता है। अब इसको समझाते हैं कैसे क्या होता है ये। अब सपोज हमारा जो सपोज हम ट्रांजेक्शन कुछ कर रहे हैं, मीन्स कुछ सिक्वल वगैरह चला रहे हैं, ट्रांजेक्शंस करते हैं, तो जो भी ट्रांजेक्शन डेटा होता है वो कहाँ से आता है, एप्लीकेशन सर्वर से आता है। ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन डेटा हमारे डीबी में आता है वो एप्लीकेशन सर्वर से आता है। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे हम एप्लीकेशन जो है वो सेशंस बना हुआ है, एप्लीकेशन टीम सेशन बना के रखा है, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4, सेशन 5, ऐसा करके। तो क्या हुआ कि सेशन 1 में वो काम किया, सेशन 2 में काम किया, सेशन 3 में किया, सेशन 4 में किया, सेशन 5 में किया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे ही काम खत्म हो गया तो क्या बेस्ट प्रैक्टिस है कि अपना लॉग आउट करके बाहर निकल जाओ, है ना, क्योंकि जितना ज्यादा सेशन होगा उतना डेटाबेस में का परफॉर्मेंस वीक होते जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो काम के सारा काम कर लिया, और वो क्या किया कि 1 और 2 को लॉग आउट कर लिया। ठीक है, बट वो 3rd 4th 5th को लॉग आउट करना भूल गया। ठीक है, मीन्स अभी हमारा ये एक्टिव था। ठीक है, अभी क्या हो गया, ये इनएक्टिव हो गया, है ना, ये सब इनएक्टिव चला क्योंकि कोई काम ही नहीं चल रहा इसमें। तो आप लोगों को बताया था कि कैसे देखना हम लोग को, थ्रेशोल्ड, एक्टिव, अनएक्टिव देखने को बोला था आप लोगों को, है ना। तो थ्रेशोल्ड क्या है हमारा, कैसे देखेंगे थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड सेशंस का बताओ। थ्रेशोल्ड सेशन देखने के लिए क्या करेंगे, इधर क्या लिखेंगे बताओ। हेलो, हाँ सुनाई तो दे रहा है। थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड सेशन कैसे, तो आप लोग कुछ बोलते ही नहीं हो तो क्या करें। हाँ, शो पैरामीटर आप लोग बताया था, डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं शो पैरामीटर, लास्ट क्लास में ही बताया था। सेशन याद आ रहा है कुछ, हाँ प्रोसेस देखने के लिए क्या बताए थे, शो पैरामीटर प्रोसेस। तो यहाँ पे सेशंस दिख रहा है कितना है, थ्रेशोल्ड 247 है ना। अच्छा।
अच्छा क्या, ये तो लग रहा है पहला बार आप लोग देख रहे हो। नहीं नहीं ये तो टोटल नंबर ऑफ सेशन था। वही तो बोला थ्रेशोल्ड। अच्छा हाँ अब सुन क्या रहे हो, थ्रेशोल्ड मीन्स ही एक तरह से टोटल हुआ ना, कि उससे ज्यादा नहीं होगा। हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट सुबह सुबह उठ गया लग रहा है ऐसा। चलो फिर यहाँ पे क्या होता है कि सपोज 247 है हमारा, तो दो एक्टिव चल रहे हैं, ठीक है। ये भी बोला था कि देखने को कि कौन एक्टिव है कौन इनएक्टिव है। और 200 कितना बज गया, 245 है, वो इनएक्टिव चल रहे हैं, तो क्या डेटाबेस में इम्पैक्ट पड़ रहा है अच्छा खासा? हाँ पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए, पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, क्योंकि ये लोग सिर्फ बैठा हुआ है, कुछ काम वगैरह कुछ कर नहीं रहा है, बस दो ही काम कर रहे हैं 247 में से। अब सपोज थ्रेशोल्ड तो नहीं लेते, 240 ले लेते हैं, ठीक है, वरना थ्रेशोल्ड हो जाए तो बंदी हो जाएगा, है ना, तो कम ले लेते हैं, 240 लेते हैं, ठीक है। तो ये इनएक्टिव है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो भी चीजें हैं आप यहाँ पे एक्टिव इनएक्टिव है या इनएक्टिव है, इनएक्टिव में क्या होगा, डेटाबेस परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़े वीक हो जाएगा। तो ये जो चीज होता है, ये जो सिनेरियो होता है कि ये सब जो आप लॉग आउट करना भूल गए, ये सब जो चीजें होती हैं, इसे हम कनेक्शन लीक कहते हैं, वी कॉल इट एज अ कनेक्शन लीक, ठीक है। जैसे कि आप लॉग इन किए हुए बैठे हुए हो, अब छोड़ दिया उसको, उसको फिर लॉग आउट करना भूल गए, तो वो सब सिनेरियो को हम कनेक्शन लीक कहते हैं, ठीक है। मींस कनेक्शन का लॉस हो रहा है, जिसके वजह से हमारे डेटाबेस में इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, उसका परफॉर्मेंस वीक हो रहा है, ठीक है। क्लियर है? हाँ चलो अब देख लेते हैं कि इतना तो देख लिया सब कुछ, बस इतना ही है प्रोफाइल के बारे में। तो अब देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट इट, ठीक है। प्रोफाइल, अपना प्रोफाइल भी क्रिएट करना आना चाहिए ना। यस कनेक्शन लीक समझ में आ गया ना? हाँ तो यहाँ पे अच्छा, आप लोग को वो वाला बता रहा था ना मैं, आइडल टाइम, आप लोग हाँ नाम करके एकदम आइडल टाइम बताया कहाँ? अच्छा कनेक्शन लीक था कि तू बता। हाँ कनेक्शन लीक बता के निकल लिया, लीक कर दिया यहाँ पे। चलो यहाँ पे क्या था कि कनेक्शन लीक हो रहा है, मीन्स ये लोग करना भूल गए लॉग आउट, तो ये सिनेरियो को हमने बोला कनेक्शन लीक। और इस चीज को रिड्यूस करने के लिए, मींस ये सब जो इम्पैक्ट पड़ रहा है डेटाबेस को, इसको रिड्यूस करने के लिए हम आइडल टाइम पैरामीटर यूज करते हैं। ये आइडल टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है इसी की वजह से कि अगर कोई चीज आप काम नहीं कर रहे हो, इनएक्टिव बैठे हुए हो, तो वो क्या होगा कि वो सेशन को आउट कर देगा, ठीक है। तो आइडल टाइम का ये काम है। सपोज आइडल टाइम मैंने 30 दे दिया, तो क्या होगा कि 30 मिनट्स के बाद ये जो इनएक्टिव है वो लॉग आउट हो जाएगा सेशन उसका, ठीक है। तो ये होता है आइडल टाइम, ठीक है। ओके अब क्रिएट करना देखते हैं। क्रिएट करने का सिंपल कमांड है, हमें क्रिएट ही यूज करना पड़ेगा, सीक्वल कमांड, क्रिएट, देन वी हैव टू गिव प्रोफाइल, फिर प्रोफाइल नेम यहाँ पे, ठीक है। और उसके साथ अगर आपको कुछ पैरामीटर्स इसके साथ असाइन करना है, तो यहाँ पे लिमिट लिखो, और उसके बाद फिर दो टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स है हमारा, एक रिसोर्स के लिए, एक पासवर्ड के लिए, है ना। बताया ना अभी इतना सारा पैरामीटर्स बताया, आइडल टाइम ये सब जो बताया ना, भूल गया कि याद है?
हाँ, तो वो अभी सब चीजें यहाँ पे आप मेंशन कर दो एक एक करके, जिस जो जो आपको पैरामीटर्स डालना है मेंशन कर दो, और सर फिर लास्ट में सेमी कोलन डाल के एंटर करो, काम खत्म, प्रोफाइल बन जाएगा आपका। ठीक है? ठीक हाँ क्या हो गया? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। चलो फिर क्रिएट करके देखें हम। हाँ। सबसे पहला हमारा क्या होना चाहिए अप्रोच प्रोफाइल बनाने का, फॉर क्रिएटिंग एनी प्रोफाइल? क्रिएट प्रोफाइल कर, अच्छा और कोई? यूजर बना के प्रोफाइल बनाना फिर क्या? मेन चीज तो आप लोग बता ही नहीं रहे हो, जो बताया है हमें। हाँ बोलिए बोलिए। होंगे हाँ प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस से कोई मतलब नहीं है, प्रोफाइल अलग होता प्रिविलेजेस रोल जो से देना। है। नहीं, वो सब प्रिविलेजेस अलग चीज है, प्रोफाइल अलग चीज है। प्रोफाइल हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं बिना प्रिविलेजेस का। तो आप लोग बताया था कि सबसे पहले हमें रिसोर्स लिमिट को ट्रू करना रहता है। हाँ, दिमाग आप लोग का कहाँ है पता नहीं। आप लोग अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि अगर प्रोफाइल में कुछ चेंजेस, अब देखो यहाँ पे मैंने मैं अगर पासवर्ड डालूँ तो ले लेगा, लेकिन फिर अगर मेरे को डालना रहेगा ये रिसोर्स वाला, तो क्या होगा? नहीं लेगा कि नहीं लेगा? नहीं अगर लगी, वो फॉल्स रहेगा तो पहले नहीं लगा। मैं चेक करके देखता हूँ कि मेरा जो रिसोर्स लिमिट वाला पैरामीटर है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो कैसे देखेंगे? शो पैरामीटर पैरामीटर रिसोर्स लिमिट। हमें पता है ना, थोड़ा नाम तो पता रहना चाहिए ना इसके लिए। कोई भी पैरामीटर का रिसोर्स लिमिट, एक ऐसा पैरामीटर ये मेरे को पता है, क्या दिख रहा है? रिसोर्स लिमिट फॉल्स। फॉल्स है, तो इसे ट्रू करना होगा, है ना? हाँ, कैसे ट्रू करें? ऑल्टर कमेंट इसके कमांड बताइए। ऑल्टर रिसोर्स लिमिट ऑल्टर, आप पी फाइल में चेंज करोगे कि एसपी फाइल में चेंज करोगे? एसपी फाइल में चेंज कर दीजिए। ठीक पी फाइल में नहीं करें हैं? है, पी फाइल में कर दीजिए। यहाँ पे ही तो है, फिर से पी फाइल में जाना पड़ेगा, डेटाबेस से कर दीजिए। अच्छा, हम क्यों नहीं कर रहे पी, आप लोग पी फाइल में क्यों नहीं करना चाह रहे ये बताओ। एसपी फाइल में एक्चुअली ऑटोमेटिक हो जाता है रिस्टार्ट, इसलिए। रिस्टार्ट ऑटोमेटिक हो जाता है? नहीं, रिस्टार्ट नहीं, मतलब इफेक्टिव हो जाता है। हो जाता है ऑटोमेटिक। आप पे रहने में इफेक्ट हो जाता है, बट पी फाइल में हमें रिस्टार्ट करना पड़ जाएगा। और ऐसे नॉर्मल केस में क्या है, आप प्रोडक्शन वगैरह पे डेटाबेस है आपका, उस पे आप काम करोगे तो क्या होगा? प्रोडक्शन डेटाबेस कभी बंद होता है? नहीं होता है, ठीक है? वो अप एंड रनिंग रहता है बहुत दिनों तक या सालों तक, महीना तक, ठीक है? तो उसे बंद नहीं कर सकते हम लोग। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें एसपी फाइल में ही चेंजेस करना होगा ना? तो क्या होगा, कमांड बताओ। ऑल्टर ऑल्टर सिस्टम सिस्टम रिसोर्स लिमिट रिसोर्स लिमिट। सेट रिसोर्स लिमिट ट्रू। अच्छा सेट दें, और सेट रिसोर्स अंडरस्कोर लिमिट, फिर फर्स्ट ट्रू इक्वल टू ट्रू ट्रू इनवर्टेड कॉमा में कि ऐसे ही? इन्वर्टर हाँ बूलियन है तो टाइप, हाँ ये टाइप तो बूलियन है। ठीक है, अच्छा, इन्वर्टर तो बुलियन का मतलब ट्रू फॉल्स होता है।
हाँ तो अब लिख के ट्रू फॉल्स क्या करना ट्रांसफर है, इन्वर्टेड कॉमा में कि नहीं ये बताओ, मेथड विदाउट इन्वर्टेड कॉमा विदाउट रखेंगे उसके बाद। स्कोप हाँ स्कोप सेमी कोलन या स्कोप, स्कोप स्कोप अब बोथ क्यों दे रहे हैं, एसपी फाइल भी तो कर नहीं बोथ क्यों दे रही है बताइए, दोनों में चेंज करेंगे इसलिए एसपी और एसपी एसपी फाइल, एसपी फाइल दे दें। चलो ठीक है दे देते हैं, हो गया सिस्टम ऑल्टर। अब हम फिर से शो पैरामीटर करके देखते हैं, ये तो कुछ चेंजेस हुआ नहीं यहाँ पे। तो हमें तो ट्रू करना था ना, अब क्या होगा। तो वो ऑल्टर, हाँ तो वो ऑल्टर लिखते लिखी है ट्रू वो बिकॉज़ इसीलिए हम लोग यहाँ पे बोध देंगे। ठीक है बोध दिया क्योंकि वो एसपी फाइल में चेंज किया सिर्फ, मेरा मेरे को मेमोरी में भी चेंज करना है। आप देखो ट्रू हो गया इसलिए हम बोल रहे हैं। हाँ इसलिए पहले एसपी फाइल, एसपी फाइल फिर बोथ। ठीक है हमारा ट्रू हो गया, अब हम यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है तो यहाँ पे हमारा प्रोफाइल क्रिएट करने का कमांड क्या रहेगा, क्रिएट प्रोफाइल, सपोज हम P1 दे देते हैं प्रोफाइल का नेम। ठीक है और उसके बाद अगर मेरे को लिमिट देना है तो लिमिट, और यहाँ पे पैरामीटर्स दे देते हैं, पैरामीटर दे देते हैं फील्ड अंडरस्कोर लॉगिन अंडरस्कोर अटेम्प्ट। ठीक है इसे हम दे देते हैं 2 दे देते हैं। ठीक है और क्या देते हैं, सेशंस पर यूजर दे देते हैं, सेशंस अंडरस्कोर पर अंडरस्कोर यूजर। ठीक है इसे हम 2 दे देते हैं। ठीक है और क्या देते हैं, आइडल टाइम दे देते हैं, आइडल अंडरस्कोर टाइम दे देते हैं, इसे हम 5 दे देते हैं। ठीक है एंटर किया, हो गया प्रोफाइल क्रिएट। यहाँ पे मैंने तीन तीन ही पैरामीटर दिए, आप सारे पैरामीटर्स को भी दे सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है अब हम चेक करें क्या कि हमारा जो प्रोफाइल है वो बना कि नहीं बना, है ना। देखते हैं सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DBA अंडरस्कोर प्रोफाइल, इसी से देखेंगे ना प्रोफाइल्स का इंफॉर्मेशन यही रहेगा ना। अब वेयर लगा देते हैं प्रोफाइल इक्वल टू हम P1 दे देते हैं, P1 का ही देखना है। अब देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पे बाकी सब डिफॉल्ट चला गया, मींस जो प्रीवियस किसी का डेटा है डिफॉल्ट का जो डेटा वो यहाँ पे ले लेगा, लेकिन हमने अपने से कुछ पैरामीटर्स डाला है, सेशन पर यूजर का, आइडल टाइम का, और यहाँ पे आप देखो फील्ड लॉगिन अटेम्प्ट का डाला है ना, तो ये ले लिया है। ठीक है यहाँ से आप चेंज कर सकते हो फिर से सब में, है ना। अब हमें क्या पता है कि स्कॉट का डिफॉल्ट है, स्कॉट का जो डिफॉल्ट लेके रखा है ना, किधर है, किधर दिखाया था स्कॉट का, ये रहा स्कॉट को जो डिफॉल्ट प्रोफाइल मिला है, यहाँ पे देखो एंटर किया डिफॉल्ट मिला है। अब मेरे को ये P1 स्कॉट को देना है, स्कॉट यूजर को कैसे देंगे, फिर से बोलिए।
अभी तो स्कॉट के पास डिफॉल्ट प्रोफाइल असाइंड है, ठीक है. अब मैं चाहता हूं कि मैंने जो P1 प्रोफाइल बनाया है उसे असाइन कर दूं स्कॉट को, डिफॉल्ट को ना दूं, P1 को दूं, P1 असाइन करो उस पे. कैसे करें? ग्रांट करना पड़ेगा. ग्रांट रिवोक प्रिविलेजेस के लिए होगा, प्रोफाइल के लिए नहीं होगा. कोई आइडिया? सिंपल सा कमांड है, अपडेट करना. बोलो कमांड, बोलो हम अपडेट करते हैं. अपडेट दीजिए प्रोफाइल को. अपडेट अपडेट टेबल नेम. दीजिए यूजर्स. टेबल नेम कहाँ से? यूजर से काम है तो. नहीं ऐसे कैसे होगा? DPA users. Alter command चलाएंगे. Alter user, कौन सा user है? Scott. Scott. ठीक है, अब इसे profile assign करना है तो profile लिखना होगा. और P1. कौन सा profile? बहुत अच्छा जोश आ गया आप लोगों में. चलो मतलब लग रहा है अब चाइना बॉर्डर पे आप लोग चले जाओगे. अल्टर यूजर स्कॉट प्रोफाइल, विच प्रोफाइल वी हैव टू असाइन दैट प्रोफाइल्स नेम एंड सेमीकोलन एंड एंटर. यूजर इज अल्टर्ड. अब चेक करके देखें अगेन स्कॉट को क्या मिला है. अब देखो क्या दिख रहा है. क्या दिख रहा है? P1. दिख रहा है P1. Means अब मेरे पास क्या है हमारा कुछ चेक कर लेते हैं कि P1 अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं अपना, है ना. Means सबसे पहले हम फेल लॉगिन करते हैं. क्या कहाँ गया ये जो 2 दिया है फेल लॉगिन अटेम्प्ट? तो दो बार अटेम्प्ट फेल लॉगिन अटेम्प्ट करके देखते हैं लॉक होता है कि नहीं. ये भी तो देखना जरूरी है ना कि हमने प्रोफाइल बनाया, प्रोफाइल में काम कर रहा है कि नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा. तो कनेक्ट करते हैं फिर स्कॉट से. हाय देखो इनवैलिड यूजर नेम, पासवर्ड गलत दिया मेरे को पता है. सेकंड बार ट्राई करते हैं स्कॉट हेलो. हो गया सेकंड टाइम. फिर से कनेक्ट करते हैं स्कॉट बाय. अब क्या दिख रहा है? अकाउंट इज लॉक्ड. देखे दो उसका लिमिट मैंने 2 दिया तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि 2 बार कनेक्शन किया. अब जैसे ही थर्ड कनेक्शन करने गया और गलत हुआ तो मेरा अकाउंट लॉक हो गया. देखे लिमिट रिसोर्स के साथ कैसे लिमिटेशन हम लोग किए. ये लॉक का टाइमिंग कितना दिया था? अकाउंट लॉक का टाइमिंग नहीं दिया है अभी कुछ. वो टाइमिंग आप दे सकते हो, ठीक है. आइडल टाइम मैंने दिया है 5 डाला है आइडल टाइम, ठीक है. तो 5 मिनट के लिए रहेगा या फिर मैं एक बार चेक कर लेना आप लोग कि ये घंटे के लिए है कि दिन के लिए है, ठीक है, कि मिनट के लिए. एक बार ये चेक कर लेना, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन अभी है, ठीक है. आप लोग चेक कर लेना नेट से. चलो अब सपोज हमें पैरामीटर चेंज करना, मींस ये फेल लॉगिन अटेम्प्ट जो है इसे मेरे को चेंज करना. कहाँ गया? हाँ, इसे मेरे को 3 करना रहेगा 2 से. तो कैसे करेंगे? और उससे पहले ये जो अकाउंट लॉक हुआ अब इसे अनलॉक कैसे करेंगे पता है? कैसे करेंगे? अल्टर. हाँ हाँ, कमांड बताइए, कमांड बताइए. पहले तो सिस में जाएंगे ना. बोलिए अल्टर. अल्टर होगा. अल्टर यूजर. यूजर नेम. यूजर नेम स्कॉट. फिर आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड अकाउंट अनलॉक. पासवर्ड देने का जरूरत क्या है? उतना बड़ा आप कमांड लिखोगे आइडेंटिफाइड बाय, आइडेंटिफाइड बाय.
आइडेंटिफाइड जो है उससे आप पासवर्ड चेंज भी कर सकते हो, पता है यूजर का। तो वहां आप कोई भी आइडेंटिफाइड बाइट लिख दोगे तो उसका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। लेकिन मेरे को यहाँ पे क्या टास्क था, सिर्फ अनलॉक करना था, पासवर्ड वही रखना है, तो मैं यहाँ पे आइडेंटिफाइड बाय नहीं यूज करूंगा। ठीक है, अब कनेक्ट करके देख लेते हैं कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। हो गया कनेक्ट। ठीक है, हाँ अब दूसरा क्वेश्चन क्या था अभी मेरा, कि मेरे को वो फेल लॉगिन अटेम्प्ट का पैरामीटर चेंज करना है। कैसे चेंज करें, 2 से मेरे को 3 करना है, कैसे चेंज करें बताओ। अल्टर प्रोफाइल नेम देन लिमिट। ठीक है, फिर पासवर्ड। एक सेकेंड मैं ले लूं यहां से फेल लॉगिन अटेम्प्ट। हो गया, आगे इक्वल टू वगैरह कुछ नहीं देना है। अच्छा 3 दे दिया, सेमीकोलन और कुछ डालना है क्या? नहीं। ठीक है, हो गया अल्टर। अब मैं चेक करके देख लेता हूँ एक बार, ये वाला यूज करता हूँ कमांड। क्या हो गया देखो, फेल लॉग इन अटेम्प्ट 3 हो गया यहाँ पे। क्लियर हो गया। अब चलो यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेते हैं स्कॉट से। ठीक है, ये मेरा एक सेशन, दूसरा सेशन हम खोल के यहाँ भी मैं कर लेता हूँ। अब भी हम लोग ये हो रहा है, एंट्री नहीं करना पड़ता है, डैश में डाल दी। हाँ वाह, हाँ बहुत सही, सिंपल प्लस भी हो जाता है। कर दिया, थर्ड में आते हैं। क्या हो गया? अच्छा SQL प्लस। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेशन पर यूजर। ये देखो ये एरर है, सेशन पर यूजर का लिमिट एग्जिट कर दिया है। मींस मैंने क्या दिया था यहाँ पे, आप लोग देखो कितने हैं सेशन पर यूजर, 2 है लिमिट। मींस फर्स्ट मेरा तो ये है सेशन, सेकंड सेशन मेरा ये है, बट थर्ड सेशन जैसे ही करने गया वो यहाँ पे मेरे को एरर थ्रो कर दिया। ठीक है, क्लियर। अब हम कैसे देखेंगे कि कौन सा एक्टिव है कौन सा इनएक्टिव है, ये तो आप लोगों को पता रहना चाहिए ना। क्या कौन सा एक्टिव इनएक्टिव सेशन? मैं समझ सेशंस एक्टिव इनएक्टिव कैसे चेक करें? $3 सेशंस देख सकते हैं। हाँ तो कमांड बताइए ना। चलो ठीक है, मैं बता दूँ, सेलेक्ट, ठीक है, SID कॉमा क्या था और सीरियल हैश, ओके देन स्टेटस फ्रॉम वी डॉलर सेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम वेयर भी लगा देते हैं स्कॉट के लिए, सिर्फ देखना है मेरे को वेयर यूजर नेम इक्वल टू स्कॉट दे दिया, COOT। ठीक है, सेशंस होगा, वी डॉलर सेशंस होगा ना, नहीं सेशन ही होता है, अच्छा मैं स्कॉट में बैठा हुआ हूँ।
देखो क्या दिख रहा है, इनएक्टिव दिख रहा है, मींस हर एक सेशन में आपका एसआईडी अपना चेंज होता रहता है, ये वाला 41 है तो दूसरे में कुछ और रहेगा, ऐसा रहता है, ठीक है। और सीरियल आईडी भी चेंज होता रहता है अपना, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये है, अभी मैं फिर से इसको लगा दूं तो यहाँ तो चेंज नहीं हुआ, मींस कुछ हम इसमें वर्क करेंगे तो मे भी चेंज हो जाए, ठीक है, अभी दिख नहीं रहा इसमें। तो देखो यहाँ पे स्टेटस अभी इनएक्टिव है, ठीक है, है ना। चलो अब आप लोगों को किल करना सिखाते हैं कि बाद में सीखोगे, क्या किल सेशंस को किल कैसे करें। बता दें, यहाँ पे आपका क्या होगा, आपको ऑल्टर ही कमांड यूज करना पड़ेगा, ऑल्टर सिस्टम देन किल सेशन, ओके। अब यहाँ पे आपको देना होगा, यहाँ पे जो एसआईडी का जो आपका ये है, एसआईडी का जो नंबर था वहां पे, जो आप वहां से पता कर लिए, फिर उसके बाद सीरियल का देना होगा, सीरियल हैश भी, ठीक है। और उसके बाद फिर आप इमीडिएट लिख दो, सेमी कोलन एंटर मार दो, तो वो सेशन किल हो जाएगा, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे करके देखें, हाँ। क्या बोला अभी, ऑल्टर सिस्टम किल सेशन, फिर एसआईडी नंबर इन्वर्टेड कॉमा ऑन करना है, फिर एसआईडी देना है, मींस 41 है ये है, ठीक है, कॉमा दिया। अब क्या है, मेरा 52 सीरियल नंबर है तो इसको भी दे देते हैं, दे दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करो और इमीडिएट लिख दो, इमीडिएट लिख दो, ऑल्ट हो गया सिस्टम, चेक करके देखे क्या दिख रहा है। मींस हमारा अब कोई ऐसा सेशन नहीं बच गया इसमें कि मेरा जो इनएक्टिव रहे, ठीक है, मींस अभी कोई भी इनएक्टिव नहीं है, ठीक है, समझे ये वाला। अभी कोई भी मेरा एसआईडी ऐसा नहीं है जो इनएक्टिव बैठा है, मींस स्कॉट के लिए सिर्फ बात कर रहे हैं। वही चीज दूसरे में देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेम कमांड अगर मैं डाला, क्या है इधर, क्या एरर दिखा रहा है, मेरे को कनेक्ट करना पड़ेगा पहले, देखो यहाँ पे भी तो सेम। हाँ तो मैंने तो स्कॉट का सेशन उड़ा दिया ना, हाँ, हाँ, हाँ। वो सेशन यही सेम डेटाबेस में है ना मेरा, वो सभी तीनों तो सेम डेटाबेस यूज कर रहे हैं ना, तो डेटाबेस का मैंने सेशन, एक यूजर का सेशन उड़ा दिया उस डेटाबेस का, तो सब कोई कैसे एक्सेस कर पाएंगे। तो ये था आज का क्लास, ठीक है, आप लोग किल करना सीख गए, और भी अब ओएस लेवल से भी किल करते हैं हम लोग, ठीक है, प्रोसेस को, बहुत सारी चीजों को हम लोग किल कर सकते हैं, ठीक है, वो सब देखेंगे हम लोग आस्ते आस्ते। कोई डाउट अभी।